जनपद हापुड़ के नगर पंचायत बाबूगढ़ में सफाई कर्मचारियों का पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि उनके पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, जिससे बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। सभी ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम राजू सफाई कर्मचारी है और हमारे बाल बच्चों की काफ़ी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा और 6 महीने का हमारा वेतन रुका पड़ा है, जिसके कारण हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से भी वंचित हो रहे हैं और अनपढ़ रहने की स्थिति में हो रहे हैं, जिसके विज्ञापन लेके हम सभी सफाई कर्मचारी और अन्य स्टाफ भी हमारी गैल जिलाधिकारी महोदय के यहाँ विज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और हमारी सभी सफाई कर्मचारी इनकी अधिकारी महोदय जी से विनती है, नर्म निवेदन है कि हमारा हर महीने वेतन बंटवाने की कृपा करें। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं यहाँ सफाई नायक हूँ। हमारे यहाँ जो बेचारे कर्मचारी हैं भूख के कगार पर बैठ जा रहे हैं, उन्हें बेचारों को राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा, उनकी 6 महीने तनख्वाह तक की नहीं दी गई। बताओ, ये नगर पंचायत में काम करते हैं बेचारे, धूप ताप में लगे रहते हैं, कोरोना काल में भी इतनी मेहनत करी है, कैसा है तो किसी सफाई कर्मचारियों को इतनी वो नहीं मिली, पर लेकिन आज बेचारे वो भी अपने बच्चों को ना पढ़ा सकते हैं, ना लिखा सकते हैं, ना ही उनका भविष्य बना सकते हैं। बता दें कि सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में भी अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता दी, अभी भी अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता के साथ निभा रहे हैं, लेकिन समय पर तनख्वाह न मिलने से वह बेहद परेशान हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6 महीने की पगार रुकी हुई है, जिससे वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।